अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, होप यू आर डूइंग वेल। मैं हूं आपकी होस्ट निशा खान और आप देख रहे हैं आपका अपना शो चिटचैट विद निशा खान। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि मेरे हर शो में एक डिफरेंट पर्सनालिटी मौजूद होती है, आज भी एक डिफरेंट पर्सनालिटी मौजूद है जिनका इंट्रो मैं आपको इस तरह करवाऊंगी। ही इज बेसिकली टिकटॉकर और टिकटॉक एक ऐसी ऐप है, अब हर फोन में मौजूद है, लेकिन टिकटॉकर्स को हमारे माशरे में अच्छा नहीं समझा जाता, उनको लोग बैड कॉमेंट्स कर रहे होते हैं, उसके अलावा भी और भी चीजें बोल रहे होते हैं। लेकिन एक टिकटॉकर भी बहुत स्ट्रगल करता है अपनी एक वीडियोज पे, अपने कॉन्टेंट पे, और फैन फॉलोइंग के लिए भी उनको काफी इश्यूज क्रिएट करने पड़ते हैं, तब जाके इनकी फैन फॉलोइंग बनती है, क्योंकि हर बंदा टिकटॉक पे फेम नहीं हो सकता। मोस्टली वो फेम होते हैं जिनके पास पॉलिटिकली कोई बैकग्राउंड स्ट्रांग हो और फाइनेंशियली स्ट्रांग हो, उनकी वीडियोस बेहतरीन होनी चाहिए, तब जाके वो हिट होते हैं या उनको फेम मिलता है। या फिर कोई एक नॉन पर्सन अगर टिकटॉक बनाए तो वो फेम इजली नहीं पाता। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं बहुत अच्छे टिकटॉकर हैं, उनके लाइफ स्टाइल के बारे में जानेंगे और उनसे ये भी जानेंगे कि टिकटॉक पे किस तरह फेमस हुआ जाता है और किस तरह फैन फॉलोइंग मिलती है और उनको क्या क्या चीजें फेसेस करनी पड़ती हैं। तो जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं वन एंड ओनली फैजी बादशाह। हाय फैजी, वेलकम टू द शो, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम आल्सो गुड, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग, और इतना वेट करवाया उसके लिए आई एम रियली सॉरी। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि टिकटॉक एक ऐसी ऐप है, अब तो तुम्हें ये आइडिया है कि हर बंदा यूज कर रहा होता है फोन में, ठीक है, बंदा फारिग बैठा हुआ तो टिकटॉक खोल लिया, टिकटॉक पे वीडियोस देख रहा है, लेकिन वो चीज नहीं है हर बंदे के पास फैन फॉलोइंग, यू नो दैट। जैसे फॉर एग्जाम्पल फैजी की आई थिंक 1 मिलियन है, राइट? 1 मिलियन होना एक बहुत बड़ी बात होती है एक टिकटॉकर के लिए, और उनको क्या बेनिफिट्स होते हैं जिनकी फैन फॉलोइंग होती है वो भी हम इनसे जानेंगे। लेकिन पहले मुझे ये बताओ कि शौक था शुरू से फेम पाने का, फेमस होने का? फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने पहले जो स्टार्टिंग की है वो टिकटॉक से की नहीं थी। अच्छा, पहले मैंने डांसिंग से स्टार्टिंग की थी और मैं डांसिंग क्लासेस लेता था। अच्छा, ओके। और फिर मैंने डांस थोड़ा बहुत सीखा, बट मैंने देखा कि पाकिस्तान में डांस का कोई फ्यूचर नहीं है, बिल्कुल भी नहीं, और यहाँ पर टैलेंट की कदर ही नहीं है। मतलब अगर कोई आगे जाता है ना तो उसकी टांग खींच के नीचे कर दिया जाता है, सिंपल कॉमन। तो फिर मतलब टिकटॉक एप्लीकेशन मैंने देखी कि काफी सारे लोग यूज कर रहे, काफी सारे लोग उस पर मतलब फेम भी उठा चुके थे। फिर मैंने सोचा कि मुझे आ जाना चाहिए, बट मेरे पास एक छोटा सा फोन हुआ करता था उस टाइम पे, मोटोरोला। ये भी थोड़ा ट्रेडिशनल है कि जिनके पास आईफोन होगा तो उनकी वीडियोस वायरल होती हैं, आई नो दैट। उसके बाद नहीं, आईफोन हो या मोटोरोला हो ये मैटर नहीं करता, मैटर ये करता है कि बंदा कितना टैलेंटेड है और उसमें करने की लगन कितनी। बट मैंने जो अब तक देखा वो मैंने आईफोन वालों को ही देखा है। नहीं totally. मैंने स्ट्रगल करके अपने मोटोरोला से ही तो आईफोन 11 प्रो मैक्स बनाया ना। ओके, बताओ बताओ कैसे बनाया, नाज़रीन को भी बताओ। वो ऐसे बनाया कि मतलब स्ट्रगल करता रहा, वीडियोस मेक करता रहा, पहले समझ नहीं थी कि ये कैसे होता है, ये कैसे होता है, काफी सारे इश्यूज होते ना हर चीज के अंदर। बिल्कुल, एग्जैक्टली। तो फिर सीखा सीखा सीखा, जब मतलब इंसान गाते गाते ही गवैया बनता है, बिल्कुल एग्जैक्टली। तो मैंने काफी कुछ सीखा, मतलब करते करते ही सीखा, किसी ने मेरे को पकड़ के नहीं सिखाया, हाथ पकड़ कर ये नहीं बोला कि ये करो तो आगे जाओगे, ये करो तो आगे जाओगे। ओके, फैमिली सपोर्टेड नहीं थी फर्स्ट ऑफ ऑल, मतलब मेरे को बिल्कुल भी सपोर्ट करती नहीं थी फैमिली। अच्छा, तो वो बस ऐसे ही बोलती थी यार ये तो ऐसे ही है, बस मैं भी उल्टे काम कर रहा होता है, मतलब लोगों की बातों में, खानदान वालों की बातों में, आसपास वाले। ओके, तो उस पे भी हम बात करेंगे, अभी ये बताओ पहले, हां शुरू के, हां के मोबाइल अब लोगों की वीडियो देखते थे कि यार ये काफी क्रिएटिव है तो ये कैसे करते हैं, स्लोमोज वगैरह आते थे, काफी कलरफुल होती थी चीजें। तो फिर मैंने अपनी एक टीम मेक करी। अच्छा, टीम बनाई अपनी, मैंने खुद की एक टीम बनाई। फिर मैंने जो स्टार्टिंग मैंने डांस से किया था ना, तो मैंने डांस स्टेप में से एक स्टंट किया जो मेरा मतलब 5 से 6 मिलियन व्यूज पे मतलब गया। अच्छा। और जब मैं रात को अपलोड करके सोया तो सुबह जब मैं उठा तो मेरे उस पर 90,000 लाइक से। मींस कि आप एक सेलिब्रिटी बन गए। नहीं, 90,000 लाइक से कोई सेलिब्रिटी नहीं बनता, 1 मिलियन 2 मिलियन फेम से भी कोई सेलिब्रिटी नहीं बनता। ओके ओके। और मेरा ये मानना है कि अगर सेलिब्रिटी बन भी जाओ ना तो मतलब अपना पहले वाला वक्त जरूर याद रखना। एग्जैक्टली, वो तो सबको रखना चाहिए पास्ट अपना। फिर मैंने ऐसे करके मतलब जहाँ थोड़ी बहुत अर्निंग हुई, मम्मी पापा ने भी सपोर्ट किया थोड़ा, फिर मुझे चलो आप आगे जा रहा है लड़का। हाँ, फिर इस तरह सपोर्ट किया थोड़ा सा, तो फिर मैंने अपनी जमा किए हुए पैसे और मम्मी पापा से कुछ लिए मैंने पैसे, और देन मैंने अपना Samsung Galaxy S7 Edge लिया मैंने। उस फिर उसके बाद तुम Samsung पे आए। ओके, Samsung के बाद फिर मैंने उससे वीडियोस वगैरह मेक की, उसे कंटेंट क्रिएट करके तुम्हारे फैन फॉलोइंग बढ़ रही थी। ओके,
फिर मैंने सैमसंग से अपग्रेड किया आईफोन 7 प्लस पे। अच्छा। और 7 प्लस से डायरेक्ट फिर मतलब जब मेरी ज्यादा अपग्रेडेशन होना स्टार्ट हुई, ट्रेंड पे आना स्टार्ट हो, तो मैंने 11 प्रो मैक्स लिया। अब इंशाल्लाह अपकमिंग 13 प्रो मैक्स। माशाल्लाह माशाल्लाह इंशाल्लाह। तो ये क्या कंटेंट है, ये जो टिकटॉकर्स का कंटेंट है कि हम मिनर पे बनाएंगे आईफोन से तो हमारी वीडियो वायरल होगी, एंड्राइड वालों को तो कोई वैल्यू नहीं देता। बिल्कुल। तो एंड्राइड में और इसमें क्या डिफरेंस है वीडियोस जब आप बनाते हैं तो? आईफोन की फर्स्ट ऑफ ऑल अपनी एक एप्लीकेशन है जहाँ से कलरिंग वगैरह हो जाती है, तो वहाँ से मतलब जब हम कलरिंग करते हैं तो वो एंड्रॉयड के मुकाबले में आईफोन ज़्यादा बेस्ट है। अच्छा। और आईफोन के स्लोमो में और एंड्रॉयड के स्लोमो में भी काफ़ी मतलब डिफरेंस है अगर आप देखें तो। अच्छा। इस वजह से आईफोन्स को मतलब लोग ज़्यादा मतलब तरजीह देते हैं। ओके। तो टिकटॉक एक ऐसी ऐप है, तुम्हें पता ही है कि इस पे फेम पाना तो आसान नहीं है ना, ये बात तो आप भी समझते हैं। स्ट्रगल हर चीज़ स्ट्रगल में आप ये कह रहे हैं कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करें अपनी वीडियोस अपलोड करते रहें तो इस तरह तो बहुत लोग रोज वीडियोस अपलोड कर रहे होते हैं, वो तो उनको तो फेम नहीं मिल रही। अच्छा सवाल है। इस सवाल का मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर आप मेरे से ही ले लें, क्योंकि मैं इसके मतलब अभी बोलती हुई मिसाल हूँ जो आपके सामने, और मतलब मेरे पास फेम भी अच्छा है। तो जब मैंने स्टार्टिंग की थी अपने टिकटॉक को लेकर, तो मतलब जब मैं कंटेंट लो क्वालिटी के बनाता था, और क्वालिटी देखिए मैटर करती है हर चीज के अंदर, क्वालिटी भी मैटर करती है। सो इंसान को मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि सामने वाला क्या मेक कर रहा है, इंसान को खुद के अंदर एक ऐसा टैलेंट होना चाहिए जो खुद वो मेक करे और खुद पब्लिक को दिखाए। एक पब्लिक देखेगी, दो दफा देखेगी रिजेक्ट करेगी, तीन दफा देखेगी रिजेक्ट करेगी, चौथी दफा तो देखेगी ना कि क्या बना रही है। सही, सही। फिर जब वो लोगों को समझ आना स्टार्ट होगा तो लोग आपकी प्रोफाइल पे विजिट करेंगे। अच्छा। और जब विजिट करेंगे देन आपकी एनालिटिक्स और जो मतलब व्यूज होती है, रीच होती है अकाउंट की, तो वो बढ़ेगी। अच्छा। तुमने कितने टाइम में अपना 1 मिलियन किया? वैसे मैंने 1 मिलियन किया, बट अभी थोड़े जो एक्सीडेंटली इश्यूज हुए मेरी लाइफ के अंदर, मैंने टिकटॉक कुछ दिनों के लिए ड्रॉप किया था, जिसकी वजह से मेरी 50-60,000 फॉलोइंग डाउन हुई। अच्छा। ओके। ऐसा भी होता है? बिल्कुल होता है। तो वीडियो बनाते वक्त क्या चीज इंपॉर्टेंट होती है कि ये वीडियो बनाएंगे तो हमारी फॉर यू पे जाएगी? एक्चुअली ट्रेंड्स चलते हैं टिकटॉक पे। अच्छा। अब किसी ने एक ट्रेंड बना लिया और उसकी रातों रात वीडियो वायरल, तो नेक्स्ट डे से सारी पब्लिक उसी को फॉलो करने लग जाएगी। अच्छा। वो ये नहीं सोचेंगे कि मतलब हम भी अपना एक ट्रेंड मतलब ट्रेंड जो है मेक करें, वो जो ट्रेंड चल रहा हो उसको फॉलो करेंगे, उसको कॉपी करते हैं। बिल्कुल। तो तुम लोगों को तो मैं आवाम जो समझती है वो तो समझती है फारी का टिकटॉकर। बिल्कुल वो यही समझते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा ऐप है और ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे मतलब जो मिडिल क्लास लोग है उसको एक प्लेटफॉर्म मिले। सिंपल सी बात है, मुझे देख लें आप। अच्छा। मतलब मैं स्टार्टिंग में कुछ भी अर्न नहीं करता था, मैंने कभी भी जॉब नहीं की, तो मैंने तो सुना टिकटॉक कोई अर्न नहीं, आपको पैसे नहीं देता। आप टिकटॉक पे फेम मतलब अपना फेम हासिल करेंगे, फॉलोइंग आपकी जब बन जाएगी, लोग आपको जानेंगे, तो जाहिर सी बात है जब आपकी पहचान बनेगी तो पहचान पैसा है। अच्छा। सिंपल। तो ये टिकटॉक ऐप देता है या फिर आपको इंस्टाग्राम से? अदर एप्लीकेशंस आपको फिर हायर करेंगी, फिर आपको प्रमोशंस मिलेगी, मतलब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे मतलब कैसे म्यूजर, आपकी पर्सनालिटी पर डिपेंड करता है। अच्छा। तो फॉर एग्जाम्पल अभी जिनके 2 मिलियन है, 3 मिलियन से 4 मिलियन से, तो वो सारे मतलब कमा रहे हैं फिर? माशाल्लाह से कमा रहे हैं सर, अर्निंग कर रहे हैं। बिल्कुल। तो जो लोग न्यू आ रहे हैं उन वो कैसे फिर करेंगे, उनको तो मिलेगी नहीं फैन फॉलोइंग इतनी जल्दी। वही तो बात है, सारी मैटर करता है, डिपेंड करता है सामने वाले के पे, मतलब के वो कितना स्ट्रगल कर सकता है। तो इसमें तुम्हारा ये पॉइंट ऑफ व्यू कि बहुत ज्यादा स्ट्रगल होगी तब जाके आप फेम पा सकते हैं। और ऐसे तो मैंने भी ये भी सुना है कि अच्छा फेम, पॉजिटिव फेम और नेगेटिव फेम में भी काफी फर्क होता है। जैसे कि अगर आप मतलब चाहते हैं कि रातों रात वायरल हो जाए, तो आप वल्गैरिटीज वाली वीडियो बनाए। अच्छा। रोड पे खड़े हो जाए तो टिकटॉक डिलीट भी तो कर देता है। वो टिकटॉक डिलीट कर देता है ना, बाजू का टिकटॉक चला भी देता है, तो मतलब वो फिर बोलते हैं कि हाँ हम इसी कैरेक्टर में सूटेबल हैं। बट कितने लोगों का तो ये कहना है कि तुम लोग गंदगी फैला रहे हो टिकटॉक के जरिए। आप मेरा अकाउंट खोल के देख लें, अगर एक भी वल्गैरिटीज वाली वीडियो मिलेगी तो फिर मैं टिकटॉक छोड़ दूंगा। तुम्हारी नहीं और लोगों की बोल रही हूँ। वही तो, 5 fingers आर नॉट इक्वल ना, मतलब एक उंगली अगर खराब हो तो 4 को नहीं खेल सकते। अच्छा। ओके। तो शुरू से यही शौक था फेम पाने का, यही बनने का, इसके अलावा क्या शौक तो ये मेरे को अचानक से हुआ, फिर शौक बना, फिर जुनून बन गया, इसी में आगे स्ट्रगल करना। स्ट्रगल आगे क्या स्ट्रगल करोगे इससे? आगे स्ट्रगल ये करना है कि अपनी फॉलोइंग बढ़ानी है, यूट्यूब पे आना है, और अभी मैंने यूट्यूब पे ब्लॉगिंग वगैरह स्टार्ट की थी, बट मैंने सोचा कि थोड़ा सा मुझे रुक जाना चाहिए, इसी पे टाइम देना चाहिए थोड़ा सा, फिर मतलब अच्छा फेम बन जाए मेरा, पॉजिटिव बन जाए, देन मेरे को अपने फेम को वहां कन्वर्ट करना चाहिए। तो तुम्हें तो नेगेटिव कमेंट्स भी बहुत ज्यादा आते होंगे। नहीं, आप मेरा अकाउंट में देख ले, 100 out of 100 में से 5% मेरे पास मतलब नेगेटिव कमेंट होंगे, तो होंगे। हेटर्स जब तक नहीं होंगे ना फेमस नहीं होंगे। अच्छा, हेटर्स होना जरूरी है? अकाउंट कभी हैक हुआ? मेरा अभी इंस्टा अकाउंट हैक हुआ है रिसेंटली। अच्छा। और मेरा मतलब
टिकटॉक कभी भी हैक नहीं हुआ, बट उसमें से फॉलोइंग मेरी अचानक से गिर जाती है, फिर अचानक से बढ़ जाती है, ऐसे होते हैं। मतलब ये हेटर्स के ही काम है सारे। अच्छा, मतलब हेटर्स ये नहीं चाहते कि आप आगे जाएं और आपकी फैन फॉलोइंग। अल्लाह सबको खुश रहे। जेलिस फैक्टर इसमें भी है। बिल्कुल। तो ये जितने बड़े टिकटॉकर्स हैं, तो ये कैसे यहाँ तक पहुँच गए? जब टिकटॉक पहले डब मैच हुआ करता था, फिर म्यूजिकल हुआ, फिर टिकटॉक बना ना वो, तो मैं तो टिकटॉक के भी बीच में हूँ, वो मतलब स्टार्टिंग से हुआ करते थे, तो उन्होंने स्टार्टिंग से एक चीज पकड़ी और अब जाके वो हमसे कुछ ज्यादा फेमस है और हम थोड़ा कम है। तो लोगों का तो ये कहना है ना कि आजकल के दौर में टिकटॉक के जब से आया है तो लोग बच्चे खराब हो रहे हैं, बच्चे लाइक बहुत से लोग खराब हो रहे हैं, बच्चे पायलट नहीं बनना चाह रहे, बच्चे इंजीनियर नहीं बनना चाह रहे, बच्चे डॉक्टर नहीं बनना चाह रहे, टिकटॉकर बनना चाह रहे, टिकटॉकर बनना है, ये क्या वजह है? इसका जवाब तो मैं भी नहीं दे सकता आपको। क्या वजह है मुझे पता चले ना, ये आवाम भी जानना चाहती है कि टिकटॉक पे आखिर हर बंदा क्यों फेम पाना चाहता है। मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये इससे तुम्हें क्या, तुमने बता दिया मैं स्ट्रगल किया, मैंने कुछ पैसे कमाए, लेकिन हर बंदे को तो नहीं मिल सकती है था वो चीज जो, और ऐसे तो बहुत से लोग यार पूरी दुनिया यूज कर रही है, वो हर बंदे को तो फेम नहीं मिल रहा, हर बंदे को तो पैसा नहीं मिल रहा, लेकिन आजकल का जो ट्रेडिशनल है और जो लोग चाहते हैं, वो चाहते हैं हम रातों रात एक सेलिब्रिटी बन जाएं, और जो पूरी जिंदगी स्ट्रगल करके आ रहे हैं, पूरा टाइम पीरियड एक दे दिया, वो कुछ नहीं करके आप लोग दो दिन में फेम पा रहे हैं। बेसिकली लक पे भी डिपेंड करती है सारी चीजें, इस पे लक पे भी है, बिल्कुल डिपेंड करती है कि आप रातों रात सेलिब्रिटी बन गए। हो सकता है, सेलिब्रिटी तो नहीं कह सकते टिकटॉकर को, लेकिन लोगों ने बना दिया, जो बात है ठीक है। या आप इस पे लोग कहें तो लोग जब बाहर निकलते हो तो क्या रहता है तुम्हारे साथ रवैया, क्या रहता है? आप फेजी हो, आप टिकटॉक बनाते हो, एक सेल्फी इस टाइप की, फैंस वगैरह सेल्फी लेने आते हैं, तो तुम्हारा क्या क्या फील आ रहा होता है उस वक्त? फील बस यही आ रहा होता है कि एक अच्छा फील हो रहा होता है कि मतलब कि मैं फेमस हो गया हूँ, मुझे लोग जानते हैं। ये तो मतलब जब मेरी 50,000 फॉलोइंग बनी थी तब से ही मतलब ये होना स्टार्ट हो गया था। अच्छा, तो क्या हॉबीज इसके अलावा और फ्री टाइम में? यही टिकटॉक बना रहे होते हो? फ्री टाइम में मतलब ज्यादा से ज्यादा नींद करने की कोशिश करते हैं क्योंकि थक बहुत जाता हूँ। अच्छा, ओके, वीडियोस बना बना के थक जाते हो? हो, सीरियसली टिकटॉक पे वीडियो बनाने में कितना टाइम लगता है? एक वीडियो बनाते हो, एक साउंड बेसिकली लोग सुनते कि ये एक लिरिक्स चल रही है, ठीक है, तो वो ये सोचते कि हम यार इस लिरिक्स पे घर बैठे वीडियो बना लेंगे और हम पोस्ट कर देंगे, हमारी एक वीडियो हो गई, तो वो वीडियो नहीं कहलाती हमारी नजर में। अच्छा, मेरी नजर में वो बिल्कुल भी वीडियो नहीं। मेरा ये मतलब मेरी कोशिश ये होती है कि मैं बेस्ट से बेस्ट चीज मतलब क्रिएट करूं लोगों के लिए और अपने जो मतलब व्यूवर्स है उसको बेस्ट चीज देते हैं। तुम अपने दिमाग से बनाते हो और कॉपी नहीं करते, तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है। लेकिन लोग ये कहते हैं कि जैसे फॉर एग्जांपल एक सेलिब्रिटी है, उसने फील्ड में 20 साल लगा दिए, ठीक है, 20 साल के बाद भी उसको वो फैन फॉलोइंग नहीं मिली, लेकिन कल के आए हुए बच्चे टिकटॉक बनाकर वो एक सेलिब्रिटी बन गए। एक्चुअली टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो मतलब मैंने आपको पहले भी बताया कि लोअर क्लास लोगों को, मिडिल क्लास लोगों को मतलब एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिल गया जो मतलब वायरल हो जाते हैं। बट मैंने तो अब तक ये सुना कि टिकटॉक 1 रुपए भी किसी को नहीं देता, अपनी जेब से लगाने पड़ते हैं। टिकटॉक 0 रुपए दे आपको, उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। मैंने आपको बताया ना पहचान पैसा है। अगर आपको आपकी आपको लोग जानना शुरू हो गए तो आपके पास पैसा चल जाएगा, ये पॉइंट ऑफ व्यू है। ओके, इसके अलावा और ट्रैवलिंग का शौक है? ट्रैवलिंग तो करते होगे ऑलमोस्ट वीडियोस के लिए। बिल्कुल करता हूं मैं। आउट ऑफ कंट्री की है कोई ट्रैवलिंग? आउट ऑफ कंट्री अभी तक नहीं की, इंशाल्लाह कमिंग सून। अच्छा, तो यहां कराची में सारी जगह पे वीडियोस बना ली, कोई जगह नहीं छोड़ी? कराची में तो तकरीबन बना ली। अब सोच रहा हूं कि मतलब नारायण कागान वगैरह की तरफ जाऊं, गया था बट उस टाइम वीडियो नहीं बना के, क्यों टीम साथ नहीं थी। टीम से मैं समझी नहीं थोड़ा टेक्निक तुम्हारी कि टीम क्यों बनाई हुई है? टीम बहुत जरूरी है इस चीज के अंदर, क्योंकि एक परफेक्ट फ्रेमर होना चाहिए, फॉर एग्जांपल जैसे कि वीडियो बनाने वाला बंदा ऐसा, मतलब तुमने अलग रखा हुआ, लेकिन बहुत से लोग तो खुद भी वीडियो बना लेते हैं वो हाथ वाली वीडियो में। और मैं बोल तो रहा हूँ कि अच्छा कॉन्टेंट क्रिएट करने में बहुत फर्क है। अच्छा, आप मेरी प्रोफाइल विजिट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं किस टाइप की वीडियोस मेक करता हूँ, लोग किस टाइप की वीडियोस मेक करते। तो ये जो लोग वीडियो बना रहे होते हैं जिसमें प्रोटोकॉल मौजूद होता है और भी चीजें मौजूद होती हैं, उससे क्या बेनिफिट होता है? वो लोगों पर डिपेंड करता है। मैं मतलब अपने अंदर जो टैलेंट है वो लोगों तक प्रोवाइड करता हूं। मैंने ये भी सुना है बहुत से लोग अपने आप को शो ऑफ भी कर रहे हैं टिकटॉक। हाँ, करते हैं, बहुत से लोग करते हैं। टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है, मतलब अगर हम घूमने जा रहे हैं तो वहाँ हम अपनी वीडियो बना के डाल देंगे, तो वायरल हो गई तो हो गई। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे साथ दो गार्ड चल रहे, तो हम मतलब अपने आप को शो ऑफ करने की कोशिश करेंगे, पैसे भी दिखाते हैं वीडियोज में,
टोटली पैसे दिखा रहे हैं, अपने शॉपिंग के लिए जा रहे हैं, वो सारी चीजें। बाज़ोगत कंटेंट पे डिपेंड करता है कि अगर आपका कंटेंट ऐसा है तो आप वो चीज करो, अदरवाइज अगर शो ऑफ करना चाह रहे हो तो मतलब शो ऑफ करो। ओके तो जी ना, मैं लेती हूँ छोटा सा ब्रेक। तो जी नाज़रीन, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और आप देख रहे हैं आपका अपना शो चिटचैट विद निशा खान, और मेरे साथ मौजूद है फैजी, फैजी बादशाह, टिकटॉकर। और टिकटॉकर के बारे में और भी चीजें हम जानेंगे, टिकटॉक को क्यों लोग गलत समझते हैं और इसके लिए लोगों के माइंड में ये बातें क्यों बैठी हुई है कि एक टिकटॉकर फारिग है और उसके पास कोई काम नहीं है, वहीं बैठा हुआ है, वो टिकटॉक बना रहा है, फेम भी मिल जाए तो कोई फायदा नहीं है। अच्छा फैजी, मैंने ये भी सुना है, अक्सर लोग बोल रहे होते हैं कि यार टिकटॉक बनाकर कोई फायदा नहीं, अगर आपकी 3 मिलियन 4 मिलियन भी है तो फायदा आपको कुछ भी नहीं होना है। अगर आपको शौक है तो फिर फायदा नुकसान को डिपेंड नहीं करता। शौक के ऊपर बोल रही हो तुम, आप बनाए वीडियोस, और जिनको शौक नहीं है ना बने, वो तो बेगर शौक के भी लोग आजकल बैठे हैं, मैं तो वीडियो बना ली ऐसे तो ही है। लोगों पर डिपेंड करता है ना, अब लोग क्या कर रहे हैं वो हम पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा तो तुम्हारे घर वाले अब सपोर्ट करते हैं? मींस घर वाले माशाल्लाह सब काफी सपोर्ट करते हैं मेरे को, और वो चाहते हैं कि अब मैं जल्द से जल्द मतलब कोई एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ जाओ। तो क्या शौक है, इन फ्यूचर कहाँ पे आना है, कहाँ तक जाना है? इन फ्यूचर अब तक सोचा तो नहीं, बस सोचा यही है कि सोशल मीडिया के हवाले से मतलब काफी आगे जाना है। फिर मीडिया, सोशल मीडिया से मींस टिकटॉक के हवाले से? टिकटॉक तो बंद ही हो जाता है। जब बंद होता फिर क्या करते हो? जब टिकटॉक बंद हो जाते तो इंस्टाग्राम है और आपका यूट्यूब है। यूट्यूब मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कभी बैन नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन यूट्यूब भी बंद हो चुका है एक टाइम पे, बहुत टाइम तक बंद था, फिर उसके बाद खुला है यूट्यूब भी, लेकिन हर एनीवे अब तो बंद नहीं होगा, ये बात ठीक है। तो इंस्टाग्राम से क्या बेनिफिट्स मिलते हैं टिकटॉक के थ्रू? इंस्टाग्राम पे भी वही है, मतलब आप टिकटॉक का फेम इंस्टा पे कन्वर्ट कर सकते हो, इंस्टा का फेम टिकटॉक पे कन्वर्ट कर सकते हो। इस टाइप के मतलब आपकी प्रोफाइल ऐसी होनी चाहिए मेक ओवर के, जैसे कि आपने इंस्टा पे टिकटॉक के लिंक और टिकटॉक पे इंस्टा के लिंक डाली, तो जब आपकी लोग प्रोफाइल विजिट करेंगे और मतलब कोई आप में शौक रखता होगा या आपका फैन मतलब आप मतलब आपकी वीडियो को लाइक करता होगा तो आपका इंस्टा भी चेक करेगा, तो आपकी फॉलोइंग वहाँ पे भी मतलब डिस्ट्रीब्यूट होगी। अच्छा ओके, तो किस तरीके का कंटेंट ज्यादा पसंद करती है आवाम? इमोशनल, फनी, लाइक किस तरीके की तुम वीडियोस बनाते हो और आवाम की? एक्चुअली आवाम की अगर बात करें ना तो पाकिस्तानी आवाम का मैं कुछ भी नहीं कहूँ मतलब कह सकता, क्योंकि जितना अच्छा कंटेंट क्रिएट करो ना तो वो उसे बोरिंग समझते हैं। बोरिंग ही समझेगी जितनी भी मेहनत कर लो, और मतलब जितनी भी एक वीडियो में 5 सेकंड्स की भी वल्गैरिटी डाल दो ना तो उसको रातों रात मिलियंस पे व्यू करवा देंगे और इतनी शेयरिंग करेंगे, मजा लेंगे। अच्छा मतलब फनी टाइप वीडियोस और थोड़ी सी छिछोरन टाइप वीडियोस। तो आजकल तो टिकटॉक डिलीट कर देता है आपकी वाइश वाली वीडियो, गंदी वीडियोस होती है। हाँ, वो वीडियोस को डिलीट कर देता है, बट कोई अपने सर पे तरबूज तोड़ रहा है, कोई दूध मतलब अपने सर पे डाल रहा है, कोई मतलब क्या कर रहा है, कोई मतलब क्या कर रहा है, तो उन चीजें मतलब ये कोई कंटेंट नहीं हुआ। बट अब तो देखो ना, ये और भी इलाकों में, गाँव देहात में भी ट्रेडिशनल चल गया है टिकटॉक का। मैं अक्सर देखती हूँ वीडियोस, देखती हूँ मैं भी फ्री टाइम में बैठी हुई तो देखती हूँ कि गांव देहात के लोग भी इतने टिकटॉक बनाने लग गए हैं, वही जो बॉटल तोड़ना और अदर चीजें मैं काफी देखती हूँ। तो उनका तो मुझे समझ में आता है कि वो अनएजुकेटेड पर्सन से, बट कराची में तो मैंने एजुकेटेड लोगों को देखा। बस वही ना कि वीडियो वायरल हो जाए, किसी भी तरह वायरल हो जाए। तो गांव देहात वालों को क्या बेनिफिट है अगर उनकी वीडियोस निकलती हैं तो, जिनको पढ़ना तक नहीं आता, जिनको बोलना तक नहीं आता? बस वो लोग इसलिए लाइक करते हैं कि यार ये मतलब किसान है, यहाँ पे खड़ा हो गया और ये वीडियो इतनी अच्छी मेक कर रहा है और उसकी वीडियो आ गई। तो उनको कैसे वैसे इतनी तरीके पता, जो एजुकेशन नहीं है इसका कोई ताल्लुक उनको नहीं पता होगा, बट उनके किसी 3rd पर्सन को पता होंगे, 4th पर्सन को पता होंगे, किसी को पता होंगे ना जो उनको ये चीज गाइड करता देता है। अच्छा ओके, इससे कोई ताल्लुक नहीं। मैंने बोला ना कि फ्रंट ऑफ कैमरा मैं होता हूँ, मेरे साथ एक एक्टर होगा, दो एक्टर होगा, जितने कंटेंट में मुझे चाहिए होंगे, बट बैक ऑफ कैमरा 2-3 होंगे। तो तुम लोग पहले से आइडियाज बना रहे होते हो? मैं पूरी रात आइडियाज बनाता हूँ और सोचता हूँ कि मुझे सुबह क्या करना है, फिर सुबह में हर रोज एक नई वीडियो बनाते हो डेली, कि रात में सोच के कि कल ये कंटेंट बनाना है, कल ये कंटेंट बनाना है, मतलब एक दिन पहले तैयारी करके रखता हूँ अपनी और एक स्टॉक बना कर रखता हूँ कि मुझे हाँ आज ये वीडियो बनाने तो ये कल पोस्टिंग करने, कल नेक्स्ट शूट करने, देन फिर मतलब नेक्स्ट पोस्टिंग करने। ओके, इसमें क्या बोलते हैं फूडी लोग भी मैंने काफी देखे वीडियोज में, तो वो फूड काफी फेम भी लोग पा रहे होते हैं, इससे काफी में बेनिफिट भी मिल रहे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन बेनिफिट मैंने वही बोला ना, कुछ पर्सन को मिल रहा है,
हर पर्सन को नहीं मिलता बेनिफिट इस पे। हर पर्सन अपनी चीजों के अंदर मतलब क्वालिटी लेकर आए, और रेस्टोरेंट्स वाले भी वीडियो बना रहे हैं, फलाओं भी वीडियो, अब तो जगहों की भी वीडियो, तो दूध वाले भी वीडियो बना रहे हैं, भुट्टे वाले भी वीडियो बना रहे, जो मतलब जिसको चांस मिल रहा है ना, वो टिकटॉक खोल के वीडियो बना रहे और वायरल भी हो रहे हैं कुछ लोग, जैसे तो मैंने हो रहे ना कि कुछ यूनिक लोगों को देखने के मिल जाता है कि दाल से वाला एक दाल से लेकर जा रहा है और वो वीडियो मेक कर रहा है, दूध वाला दूध बेच रहा है, जैसे वो मैंने वो खाने की वीडियोस देख रही है, खाना बनाने की, अब फलां बंदा है वो ड्रेसिंग की वीडियो देख रहा है, मतलब हर कॉन्टेंट आपको एक टिकटॉक ऐप में मिल सकता है फ्री फंड में। ओके, अच्छा एजुकेशन क्या है आपकी? सेकंड ईयर। अभी पढ़ ले आगे या छोड़ दिया है स्टडीज के चक्कर में? छोड़ दिया है। मैं वही पूछना चाह रही थी कि एजुकेशन का ताल्लुक है इससे? बिल्कुल, अनएजुकेशन बंदा यूज कर सकता है इसको इजीली? एजुकेशन मतलब देखें अच्छे बुरे में फर्क बताती है, एक अच्छी चीज है तालीम, इंसान को नॉलेज होनी चाहिए हर एक चीज के हवाले से कि सामने वाला बंदे से हमको बात किस लहजे में करनी है, किस सेंस में करनी है, तो ये नॉलेज मतलब होनी चाहिए इंसान के पास। अगर एजुकेटेड बंदा नहीं भी है तब भी इसको यूज कर सकता है? बिल्कुल यूज कर सकता है, बट बात सारी है कि इसके दिमाग में कॉन्टेंट होना चाहिए, पढ़ा लिखा होगा तो कॉन्टेंट ज्यादा उसके दिमाग में आइडियाज आते हैं। ओके, तो अभी आपकी एज क्या है वैसे राइट नाउ? अभी मेरी एज है 22। 22, अभी आप मजीद इंशाल्लाह आप बोल रहे हैं कि मैं स्ट्रगल करूंगा और आगे जाऊंगा, तो यूट्यूबर भी हैं शायद आप? यूट्यूबर हूँ, बट यूट्यूब मैंने 2-3 ब्लॉग्स किए, फिर मैंने बोला ना आपको मैं स्टॉप खुद हो गया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ी और फेम मतलब बढ़ा लेनी चाहिए। अच्छा, आपका पॉइंट ऑफ व्यू ये कि हम टिकटॉक पे पहले फेम बढ़ाएंगे फिर उसके बाद हम यूट्यूब पे आएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। तो उससे क्या बेनिफिट होगा आपको? बेनिफिट ये होगा कि मतलब एक चीज पे अगर हम कॉन्सेंट्रेट करेंगे, इंसान दो कश्तियों में सवार हो जाते हैं ना तो माइंड डिस्टर्ब हो जाता है उसका। एग्जैक्टली, एक ही चीज पे अगर आप सवार हो उस चीज को स्ट्रॉन्ग करेंगे ना तो आपकी सेकंड मतलब जो चीज होगी वो ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होती जाए। ओके, तुम किस तरह की ज्यादा वीडियोस बना रहे होते हो? कंटेंट बनाता हूँ, फॉर एग्जांपल के एक मैसेज। अच्छा, ओके, मैसेज के तौर पे, जैसे फॉर एग्जांपल एक बॉस है सिद्दीकी, बॉस इज अ नाइस पर्सन, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, अभी राइट नाउ बीमार है बेचारे, उनका भी मैंने इंटरव्यू किया, बेसिकली वो एक बड़े अच्छे शायर है यार, वो भी अपने दिमाग से कंटेंट बनाते हैं और शायरी करते हैं, नॉट कॉपी एनीवन। मैं तुम्हारी बात सही थी कि अपने दिमाग से और अपने दिल दिमाग से कुछ यूनिक करना चाहिए या कुछ नया करें, क्योंकि एक चीज देख देख के आवाम भी थक जाती है और वो बोलती है कि यार एक ही चीज बार बार सामने आ रही होती है। लेकिन टिकटॉक पे मैंने बोला ना हर चीज, हर कॉन्टेंट की चीजें मौजूद है। ओके, इसके अलावा ड्रेसेस के क्या इश्यूज होते होंगे इसमें तुम्हें? डेली के ड्रेसेस चेंज करने पड़ते, मतलब बहुत सी चीजें होती है पूरे वीक, मतलब वीडियोस अगर शूट करने आपको तो मतलब 7 days और 7 ड्रेसिंग, जूतों के जूते ये वो सारी चीजें देख रहे होते हैं ना इस पे कि यार ये इसने ये जूते के ब्रांडेड जूते पहने, जाना है कहीं से मतलब कुछ खाना है, पूरी टीम को लेकर जाना है, काफी सारे एक्सपेंसेस होते हैं। तो ये अपनी जेब से लगाते हो, फाइनेंशियली तुम्हें मिल रहा है? मैं खुद लगाता हूं। खुद लगाते हो अपनी जेब से? तो तुम्हारा मतलब आई थिंक आपका बैकग्राउंड फाइनेंशियली स्ट्रांग होना चाहिए। बिल्कुल स्ट्रांग नहीं, नहीं होना चाहिए टिकटॉक पे आने के लिए और फेम पाने के लिए? बिल्कुल होना चाहिए, उसके अलावा आप नहीं है? नहीं, अगर आप मिडिल क्लास भी हैं और अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं किसी चीज की चाय और जुनून है आपको तो आप कर सकते हैं। ओके, कपल वाला कॉन्सेप्ट भी काफी इन है? कपल वाले कॉन्सेप्ट भी किए मैंने, फकीरों वाले भी कॉन्सेप्ट किए, रमजान में रमजान के हवाले से कॉन्सेप्ट किए, ईद में ईद के हवाले से किए, मतलब जिस टाइप का ट्रेंड चल रहा है तो आपको ऐसा चाहिए कोई कोई यूनिक चीज। तो अच्छा, तुम कॉपी नहीं करते? बिल्कुल। ओके, कौन सा टिकटॉकर फेवरेट है जिसको कॉपी करते हो या आइडियल हो या शुरू से करते हो? पाकिस्तानी कोई टिकटॉकर मुझे अच्छा ही नहीं लगता। क्यों हो जाओ? क्यों? वो अच्छा यूं नहीं लगता कि किसी ना किसी के कंटेंट में कुछ ना कुछ कमियां हो जाती है, बाज़ोकात कोई एक दूसरे को कॉपी करता है। हाँ। बाज़ोकात कोई एक ही चीज कर रहा होता है, बाज़ोकात मतलब बहुत सी काफी चीजें हैं ऐसी, मतलब मैं ये नहीं कहता कि कोई अच्छा नहीं लगता, सब अपनी अपनी जगह पे मेहनत ठीक कर रहे हैं, बट मेरा ये मानना है कि कुछ यूनिक करें, टैलेंटेड चीज करें, मतलब पब्लिक को लोगों को कुछ हासिल हो, एक लाइक भी मिले ना, एक लाइक भी, लाख की जगह एक लाइक भी, बट आपकी चीज ऐसी होनी चाहिए कि जो एक लाइक करके जा रहे हैं ना वो आपको भूले नहीं कि हाँ आप ऐसी चीज बनाते हो। तो फेवरेट टिकटॉकर है कौन वैसे जिसको तुम पसंद करते हो ज्यादा, कंटेंट जिसका फॉलो करते हो? किसी का भी कंटेंट में पाकिस्तान या कराची में या मतलब एक्स वाई जेड आउट ऑफ सिटी किसी का भी नहीं कॉपी? किसी का भी नहीं। इंडिया में तो वैसे टिकटॉक बंद है टोटली, तो जब पाकिस्तान में टिकटॉक बंद होता तो तुम लोगों की तो आमदनी बंद, वो बंद हो जाती होगी? नहीं, मैंने बोला ना आपको टिकटॉक फेम है, टिकटॉक अभी बैन था तो भी हम बाहर घूम रहे थे, लोगों में पहचान थी, तो वो थोड़े दिन में खत्म हो जाती? नहीं होती, नहीं होती रहती है। फिर बोल तो रहा हूँ ना, आप चीज ऐसी क्रिएट करो कि आपको लोग भूल नहीं पाए, एक लाइक आपका लाख की जगह होना चाहिए,
क्योंकि जो आपको लाइक करा तो वो आपके नेक्स्ट बंदे को ऐसे मतलब मतलब इंट्रो करा है कि हाँ ये बंदा है इस टाइप का अच्छा कंटेंट क्रिएट करता है, कि मतलब नेगेटिव चीज़ क्रिएट नहीं करता, वल्गैरिटी चीज़ नहीं बनाता। तो आपको मतलब आप पे डिपेंड करता है कि आपका कंटेंट पॉजिटिव है नेगेटिव। लेकिन अक्सर मैंने फैमिलीज को देखा है वो यही बात करती हैं कि तो भाई आप चीज़ें भाई तो लोगों को माशा खराब कर रही है। वो एक्चुअली पुराने टाइप के लोग हैं कुछ, मतलब न्यू पर अब न्यू लोग जो हैं वो फिर इस चीज़ को समझते हैं, बिल्कुल समझेंगे अगर हम उन्हें अपने तरीके से समझाएंगे तो समझेंगे। तो और लोग जो वीडियोस वाहियात बना रहे होते हैं उन पे डिपेंड करता है, तो उनकी वीडियोस डिलीट नहीं होती, चल रही होती, होती होंगी, डिलीट अकाउंट भी बैन होते होंगे, फ्रीज भी हो जाते होंगे, बट वो मतलब जब अकाउंट बैन होता तो फिर क्या करते हो, बैन हो जाता है, कभी हुआ है? मेरा हाँ हुआ है, टेम्परेरी बैन हुआ है, परमानेंट नहीं हुआ। तो ये क्यों बैन करते थे? एक्चुअली रेल की पटरियों के पास जाना तो मतलब खतरा है। अच्छा, खतरे वाली जगह पे आप ना बनाए? हाँ बिल्कुल। तो तुम्हारा कोई ड्रीम हो गई, खतरा हो गया, आग हो गई, हैंड कट हो गया, ब्लड हो गया। अच्छा, ये सारी चीजें आपने शो नहीं करनी? बिल्कुल नहीं करनी। ओके, तुम्हारा कोई ड्रीम कि मैं इस जगह पे जाऊँ वीडियोस बनाऊँ? होगी जरूर, आउट ऑफ कंट्री, दुबई, दुबई में है कि मैं जाऊँ। तो कोई ऐसा कोई स्पॉन्सर नहीं मिला टिकटॉक के थ्रू की दुबई भेजे और चीजें तुम्हारी मिल जाएगा? इन फ्यूचर मिल जाएगा ये कह रहे हो। ओके, कोई क्रश रहा हो जिंदगी में कभी? कभी नहीं, टिकटॉक पे कोई क्रश नहीं लड़की। एक्चुअली अगर क्रशेस बना लियो, लड़कियों पे कंसंट्रेट कर लिया ना, तो फिर अपने गोल्स पीछे हो जाएंगे। अच्छा, अभी इन चक्करों में पड़े ही बिल्कुल नहीं पड़े? बिल्कुल भी नहीं। कभी किसी से मोहब्बत हुई जिंदगी में? टिकटॉकर्स को तो वैसे ही बहुत हो रही होती है। नहीं नहीं नहीं, टिकटॉकर्स को तो यू आर आल्सो या ओके। लड़कियां बहुत फॉलो करती होंगी तुम्हें? हां फॉलो करती हैं, मैसेजेस भी आते हैं, आप अच्छे लगते हैं, प्लीज एक रिप्लाई। तो मेरे साथ भी टिकटॉक वीडियोस बनाए, मुझे भी फेम करें, तो कभी किसी को रिप्लाई दिया या जवाब दिया? एक्चुअली हमको टाइम ही नहीं मिलता इस चीज के लिए। देखें, पहले वीडियोस बनानी, फिर मतलब उस चीज को। कभी कपल कंटेंट नहीं बनाया? बनाए, बहुत बनाए, बहुत बनाए। तो फिर अब क्यों छोड़ दिया वजह? अब इसलिए छोड़ दिया कि मतलब लड़की के लिए मतलब लेकर आना, किसी जगह पर लेकर जाना काफी ज्यादा टाइम वेस्ट होता है। अच्छा, ऐसे आप इजीली अकेले कर लेते हैं? हाँ, लड़की के साथ आपको इजीली अकेले में कोई नियर अच्छी जगह हो वहाँ पे जाओ, अपनी टीम को लेकर जाओ, जल्दी जल्दी से मतलब क्रिएट करो और आ जाओ। अब लड़की आती है उसे समझाना पड़ता है कि ये नहीं, ये नहीं, ये ऐसा नहीं, ऐसा कर। अब उसके नखरे, मेकअप, पसीना, 10 चीजें होती है, टाइम वेस्ट हो जाता है। अच्छा, इनडोर ज्यादा वीडियोस बनाते हो या आउटडोर? इनडोर में बहुत कम बनाता हूँ, आउटडोर ज्यादा बनाता हूँ। अच्छा, आउटडोर में क्या अब तुम्हें फेसेस करने पड़ते होंगे लोगों को? अक्सर कहीं वीडियो बनाने चले गए तो हजारों लोग देखना शुरू हो जाते हैं। एक्चुअली फेसेस सब करने पड़ेंगे, जैसे कि दोपहर का टाइम हो गया, शाम का टाइम हो गया, तब ट्रैफिक ज्यादा होता है, पब्लिक भी बाहर होती है। डायरेक्ट मतलब फर्स्ट टाइम में मतलब जैसे ही फजर होती है, नमाज वगैरह होके, इसके बाद जैसे अर्ली मॉर्निंग होती है, हम जाते हैं शूट करके आ जाते हैं। अच्छा, तुमने मतलब टेक्निकली डेली वाले बनाने पे रखी हुई है ना? डेली बेसिस पे रखी हुई। तो किस टाइम वीडियो अपलोड करते हैं वैसे तुम लोग? हाँ, करते हो? गुड आंसर। देखिए, पब्लिक जैसे कि ज्यादातर टाइम ये होता है, फॉर एग्जांपल 7, 9, 11, ये सुबह के टाइम बता रहे हो? रात के, रात इस टाइम पे वीडियो वायरल होती है। और अगर सुबह आपको पोस्टिंग करनी है तो आफ्टर 10, 11 और 12 इस टाइम में कर सकते हैं, वीडियो वायरल होती है। ये ऐसा टाइम है, ये मेरे अपने मतलब जज किए हुए टाइम है जिसमें मतलब वीडियोस चांसेस होते हैं कि आगे निकलेगी। अच्छा, इसकी टाइमिंग्स भी होती है कि इस टाइम पे अगर आप वीडियो अपलोड करेंगे तो आपकी वायरल होगी? बिल्कुल। और एक और बार मतलब आपका जो टिकटॉक ऐप है आपके फोन में, वो आप जब पोस्टिंग करो तो उससे पहले ये चेक जरूर कर लें कि मतलब अपडेट आपने किया है या नहीं। क्या अपडेट नहीं किया है? बट फॉर मतलब वीक में अपडेट्स आती रहती है ना, मतलब एप्लीकेशंस की, अपडेट करो, अपडेट करें। तो आप मतलब जब पोस्ट करें तो उससे पहले आप अपना मतलब ऐप स्टोर होता है एंड्रॉयड में, और इसमें मतलब क्या होता है, आईफोन में भी होता है। सो आप उस पर जाकर चेक कर लें कि आपका टिकटॉक ऐप जो है वो अपडेट है या नहीं। अगर नहीं है तो आप अपडेट करें और फिर पोस्ट करें। अच्छा, ओके। इसके अलावा और क्या कर रहे होते हो लाइफ में? खाली वीडियोस ही बना रहे होते हो? कितना टाइम हो गया वैसे, तुमने तो बताया मुझे ऑलमोस्ट डेढ़ साल। डेढ़ साल हो गए, तो डेढ़ सालों में कुछ भी स्टडी वगैरह सब वाइंड अप कर दिया? फुल क्रेज है तुम्हें? बहुत, टोटली। ओ माय गॉड, ओके। तो अर्निंग अब तक कितनी हुई है वैसे? कुछ अर्निंग हुई भी? 2 लाख भी कम है, 2.5 लाख भी कम है, 1 लाख इस ऐप से? सीरियसली? बट मैंने तो किसी से आज तक नहीं सुना वो जो बोलता है। वो कोई बताएगा नहीं ना, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड टाइप हूं, जो बात है वो मैं आपको क्लियर करूं। तो एक तो स्नैक वीडियो भी, जिससे भी उससे भी अर्निंग करते हैं। वही तो बात है, स्नैक वीडियो आपको कॉन्ट्रैक्ट देता है उस बेस पे कि आपका टिकटॉक पे फेम अच्छा होना चाहिए, तब आप स्नैक पे आते हैं। बिल्कुल। ओके, तो इंस्टाग्राम आपका कितना है वैसे? इंस्टाग्राम रिसेंटली मेरा हैक हो गया, जो मतलब 35K पे था,
लड़के का होना एक बड़ी बात है। 35 अच्छा, अक्सर लोग सेलिब्रिटी के साथ वीडियो बनाते हैं, ये क्या कंटेंट है? बस वो एक मतलब फेमस चेहरा है तो हम इसके साथ बनाएंगे वीडियो तो हम जल्दी से जल्दी मतलब वायरल हो जाएंगे, क्योंकि पब्लिक इनको जानती है तो इनके थ्रू हमें भी मतलब फॉलो करेगी। बट मेरा ऐसा नहीं मानना है, मेरा ऐसा मानना है कि आपको जो करना है आप अपने दम पर करो। एग्जैक्टली, बिल्कुल। ओके, तो यहाँ हम लेंगे छोटा सा ब्रेक। तो जी नाज़रीन, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, और आप देख रहे हैं आपका अपना शो चिट चैट विद निशा खान। मेरे साथ मौजूद है फैजी बादशाह, बेसिकली टिकटॉकर हैं, बाकी इनसे और भी बातें हम जानते हैं। अच्छा फैजी, सबसे पहले तो ये बताओ कि एजुकेशन को क्यों खराब कर रहे हो एक टिकटॉक ऐप के लिए? मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि मतलब एजुकेशन भी साथ कर, मतलब करनी चाहिए और मतलब टिकटॉक भी कर सकते हैं। तो तुम तो साथ कर ही नहीं है, वो मैंने इसलिए नहीं करी क्योंकि छोड़ दिया। हाँ, वो मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि वो मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि मेरे फैमिली टर्म्स कुछ ऐसे थे कि मैं अपनी स्टडी आगे कंटिन्यू नहीं कर सका। फिर मैं अपने जॉब की तरफ गया और फिर मैंने जॉब में देखा कि मतलब मेरे को मजा नहीं है, मतलब वहाँ दिल्ली में अपना बिजनेस करना चाहा। बिल्कुल बिजनेस करना चाहा, मतलब क्योंकि फिर मेरा बैकग्राउंड स्ट्रांग नहीं था तो मैंने वो भी चीज़ छोड़ दी। अच्छा। फिर मैंने इन चीज़ों की तरफ कॉन्सेंट्रेट करा और जब मैंने कॉन्सेंट्रेट किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को मतलब सब यही कहते थे कि आप इसे कितना अर्न कर लोगे, क्या कर लो, मतलब क्या कर लोगे फ्यूचर में, ये सारी सवाल। मैं भी अभी यही पूछने वाली हूँ कि इन फ्यूचर कब तक अर्निंग करोगे तुम इससे? वही तो गायब वाली हवाई वाली सीन है ना ये तो। बिल्कुल टेम्पलरी। हाँ, तो मैं यही कहना चाह रहा था इस हवाले से कि लोग ये कहते कि इसमें क्या फ्यूचर है, कुछ भी नहीं रखा, मतलब कोई मतलब अच्छा सा काम करो, सेटल हो जाओ लाइफ के अंदर। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि मतलब एक तो होता है ना लोग, उनका गोल नहीं होता कोई, जिसका कोई लाइफ में गोल नहीं होता ना तो वो कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता। व्हाट फॉर गोल? जैसे कि कुछ हासिल करना लाइफ के। अच्छा, ओके। तो मुझे ये चीज़ हासिल करने के, मैं जॉब करके कभी भी अपने गोल्स की तरफ नहीं मतलब बढ़ सकूंगा, क्योंकि जॉब में एक बंदा परमानेंटली फिक्स हो जाता है कि 20,000 आपकी मंथली सैलरी है, ज्यादा से ज्यादा बढ़ भी जाएगी तो 25, और उससे ज्यादा बढ़ भी जाएगी तो 30, इनफ। बट तुम किसी के नौकर रहोगे, तुम मालिक बनना चाहते हो तो मालिक तो तुम अभी फिलहाल बन ही नहीं सकते टोटली, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली आजकल का जो दौर चल रहा है, नई हुकूमत आई, चली भी गई, उससे क्या इफेक्ट पड़ा तुम्हारे काम पे? मेरे काम पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, कुछ भी नहीं पड़ा। हाँ, ट्रैवलिंग में इफेक्ट पड़ा, कन्वेंस में इफेक्ट पड़ा, पेट्रोल वगैरह महंगा जो एक्सपेंसिव हुई ना चीजें, उससे तो काफी इफेक्ट पड़ा होगा। तो नया पाकिस्तान जब बना था तो उससे कितनी सारी चीजें चेंज हुई तुम्हारी, क्या क्या लाइफ में चीजें चेंज हुई? लाइफ में मेरी चेंजेस तो कुछ भी नहीं, क्योंकि मैं अपने घर में ज्यादातर रहता नहीं, मतलब अच्छा। वहाँ जाता हूँ तो सिर्फ सो जाता हूँ, खाना वाना सब बाहर। हाँ, बाहर ही टोटली टोटली। ओके, और अभी जो नया पाकिस्तान बनने वाला है इन फ्यूचर, इसके बारे में क्या ख्याल आते, तुम्हारे काम पे कितना इफेक्ट पड़ने वाला है? मैं यही सोचता हूँ कि यार जब कुछ बने तो ऐसे मिडिल क्लास लोगों को और मतलब सपोर्ट करना चाहिए, सपोर्ट करें। तो वो तो नहीं करेंगे सपोर्ट, कोई भी सपोर्ट करते ही नहीं मतलब गवर्नमेंट बेसिस पे ये होता है ना कि कहीं भी आप चले जाओ तो किसी की सोर्स और मतलब बैकअप जरूरी होता है कि हाँ भाई ये तो हमारा है, इसको रख लो, पर्ची वाला। हाँ वही, और मतलब टैलेंटेड हो या नहीं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, बस सोर्स लग गई और उसे कुछ आता ही नहीं आता है, मतलब प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है क्या करना कुछ भी नहीं पता। ओके, बस जैसे तैसे करके गुजारा हो जाता है और सोर्स लग गई उसकी, और हम जैसे टैलेंटेड हो गए। मैं अपने आपको टैलेंटेड इसलिए कहता हूँ क्योंकि मैं हूँ। ओके, और मतलब जो मेरे जैसे भी लोग है वो दब जाते हैं फिर उन लोगों की वजह से जो अनटैलेंटेड लोग होते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल अभी तुमने एक देखी होगी वीडियो, पार्टी हो रही है, यू नो दैट, इनके बारे में क्या कहोगे? रातों रात ये बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन गई थी। फर्स्ट ऑफ ऑल लड़कियों की ज्यादा मतलब डिमांड है टिकटॉक ऐप पे, ये कहते हो लड़कियों की ज्यादा डिमांड, लड़कों की कोई डिमांड नहीं? तो ये जब इसकी लड़कियां भी रातों रात सेलिब्रिटी नहीं बनती ना, नहीं मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू नहीं समझ रहे तुम। हाँ, ये रातों रात जैसे इसने एक वीडियो से बनाई ना अपनी, इसकी एक वीडियो कितनी ज्यादा वायरल हुई इंडिया, हॉलीवुड, इधर उधर। बिल्कुल, तो ये एक ट्रेंड था इसका, एक अपना इसने, मैंने वही बोला ना ट्रेंड मेक करना आना चाहिए। फिर इसको लोगों ने कितना कॉपी किया, उसके बाद ये ड्रामास में भी आई, दस चीजों में बढ़ गई। तो अगर इसी जगह कोई लड़का होता तो तुम्हारा क्या मानना है? उसे इतना फेम नहीं मिलता, फेम नहीं मिलता उसको, लड़कियों को ज्यादा अप्रोच करते हैं और चीजें मिल रही होती है, लेकिन हर लड़की भी फेम नहीं पा सकती। पा सकती है,
अब वो हर लड़के ऐसे फेम पा सकते हैं कि वो कंटिन्यूसली पोस्टिंग करें, डेली बेसिस पे वर्क करें, तो वो मतलब फेम पाएंगे आज नहीं तो कल। अच्छा, मैंने ये भी सुना है कि जो लड़के या लड़कियां बोल्ड वीडियोस बनाते हैं तो वो वायरल होते हैं, ये क्या सीन है? बोल्ड वीडियोस, बोल्ड लड़कियां ड्रेसिंग करके बोल्ड वीडियो बनाती है, लड़के विदाउट टी शर्ट वीडियो बना रहे होते हैं, तो इस अब विदाउट टी शर्ट भी हम वीडियो बनाएंगे ना तो वो मतलब टिकटॉक के गाइडलाइंस हमको उस चीज की परमिशन नहीं देती, डिलीट कर देता है मतलब। लेकिन मैंने देखी काफी लड़कों की तो जो विदाउट टी शर्ट मैंने भी देखी बाजू का, उनकी तो डिलीट नहीं होती। वो अब टिकटॉक ऐप के ऊपर डिपेंड करता है ना कि किसकी प्रोफाइल पे वो ज्यादा तवज्जो देते हैं, किसकी प्रोफाइल पे नहीं देते हैं। अब मतलब काफी नॉर्मली लोग ऐसे होते हैं कि अब वो वीडियोस बना के छोड़ देते हैं, उनको ये भी नहीं पता होता कि गाइडलाइंस होती क्या है, टिकटॉक होता क्या है, इसे यूज कैसे करना है, मना क्या है, करना क्या है, किसी को कुछ नहीं पता होता। वो बस ये कहते हैं कि मतलब मैं वायरल हो जाऊं किसी भी तरह। मैंने आपको बताया था ना स्टार्टिंग में, जैसे कि कोई दूध वाला है वो अपने सर के ऊपर दूध डाल लेता है, कोई तरबूज वाला है वो लाल लाल करके ट्रेंड निकाल देता है, तो ये ट्रेंड बन जाते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक और गर्ल है ना कि वहाँ की साइलेंट गर्ल, उसका भी एक ट्रेडिशनल है, और एक दो लोगों का और भी मैंने ट्रेंड देखा है, तो ये अपने तरफ से लोग निकालते हैं, इसको भी कॉपी करते हैं, मतलब कुछ यूनिक बाबा जी कराची इस टाइप की चीजें ना। अली हैदराबादी, शीज अ नॉर्मल एंड मिडिल क्लास फैमिली बट राइट नाउ इज वेरी फेमस, यस, बट उसको कुछ हासिल तो नहीं हुआ अब तक। मैं नहीं जानता, इतना स्टडी नहीं करता मैं किसी के बारे में। मींस कि फेम तुम्हें भी मिला ना, फेम तुम भी कह रहे हो मेरे पास मौजूद है, लेकिन मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है फेम के साथ साथ तुम्हें अर्निंग तुमने बोला हुई है, एक हद तक हुई है बिल्कुल, लेकिन इन फ्यूचर आप ये नहीं कह सकते कि आप बहुत अर्निंग करेंगे टिकटॉक ऐप से। यूट्यूब पे मतलब YouTube एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि आप उससे लाइफ टाइम कमा सकते हैं ना, आप YouTube पे। लेकिन YouTube पे उस वक्त आओगे ना जब तुम्हारे अच्छी सब्सक्राइबर होंगे, चीजें होंगी। नहीं, आप स्टार्टिंग से यूट्यूबर बन जाए, आप टिकटॉकर ना बने, यूट्यूबर बन जाए, आप ब्लॉगिंग स्टार्ट करें। तो हजारों लोग यूट्यूबर हैं जिनको एक रुपए नहीं मिल रहा, वही तो आपको एक जरिया बता रहा हूं ना, टिकटॉक इजी फेम का जरिया है, मतलब यूट्यूब से। यूट्यूब में मतलब जो सब्सक्राइबर्स है आपको गेन करने में काफी डिफिकल्टीज होगी, इससे पहले आप अपना टिकटॉक पर ज्यादा टाइम स्पेंड करें, फिर आप जब वहां पर आएंगे ना तो और जब टिकटॉक बंद हो जाए फिर क्या करें? हाँ, फिर तो वो लग पे डिपेंड करता है। एग्जैक्टली, और ये एक टेम्पररी ऐप है और ये कभी होती है कभी नहीं होती, ये लाइफ स्टाइल का एक पैशन है और ये शौक के तौर पे हम इसको कर रहे होते हैं। ये आपको अर्निंग उस वक्त हद तक देता है जब तक आपकी चीजें वायरल हो रही हैं। बिल्कुल, टिकटॉक ऐप मैं भी यूज करती हूँ, आई नो दैट, बट टैलेंट इज टैलेंट, जो आपका टैलेंट है वो आपको पैसे दिलवाता है, ना कि एक ऐप आपको पैसे दिलवा रहा हूँ, ठीक है। मैं नाज़रीन को भी यही कहना चाहूंगी कि बहुत से लोग टिकटॉक ऐप को बहुत गलत समझते हैं, गलत नहीं है, यूज के ऊपर है, डिपेंडिंग ऑन यू, आप कोई भी चीज यूज करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड है, अब आप किस तरीके की वीडियोस उसमें देखना चाह रहे हैं वो आपके ऊपर है। सारी, मैंने आपको पहले क्या बोला, सारा कंटेंट इसमें मौजूद है, आपको ड्रेसेस के हवाले से वीडियोस देखने हैं वो भी मौजूद है, कुकिंग के हवाले से देखना है वो भी मौजूद है, आपको ट्रैवलिंग के हवाले से देखना है वो भी मौजूद है, कुकिंग या एवरीथिंग, एवरीथिंग कुछ भी, आपको हर कॉन्टेंट टिकटॉक पे इजिली मिल सकता है। लेकिन लोगों का मानना यही है कि वाहियात चीजें, आप बच्चों को खराब कर रहा है, फैमिली को खराब कर रहा है, लेकिन आजकल इतना कॉमन हो गया है कि मैं जब भी कहीं बैठी हुई होती हूँ लाजमी लाजमी 30% तो वो यूज कर ही रहा है टिकटॉक ऐप। इज नॉट मतलब कोई वो नहीं है कि यार ये खराब है या कुछ है, अलबत्ता लोग टिकटॉकर्स को बहुत वैल्यू दे रहे हैं, आप सीरियसली बता रही हूँ, आप किसी में ओपनिंग सेरेमनी हो गई, फलां चीज हो गई, फलां चीज हो गई, तो आप सेलिब्रिटी नहीं मांग रहे हो, आप टिकटॉकर मांग रहे हैं कि यार हमें फलां टिकटॉकर बुला दो, उसकी इंस्टा पे इतनी फैन फॉलोइंग है, उसकी टिकटॉक पे इतनी फैन फॉलोइंग है, ये हो गया ना कैश, यही बात है ना। अब लेकिन कुछ लोगों के लिए, अभी मैं तुम्हें बता रही हूँ, हर पर्सन के लिए ये चीजें अथॉरिटीज नहीं देनी है, कुछ अगर आप 100 लोग हैं ना तो उसमें से 30 लोग या 20 लोगों को ये अथॉरिटीज मिल रही हैं, ना कि एवरी। अब वो 30 लोग और 20 लोगों की मेहनत भी तो इतनी होती है ना, यही मैं बोल रही हूँ, मेहनत होती है बिल्कुल, कंटेंट बनाना पड़ता है, आइडियाज चाहिए होते हैं, और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो विदाउट मेहनत करे प्लेटफॉर्म पे पहुंच गए, लक भी एक बहुत डिपेंड करता है आपका। अच्छा, जब फैन फॉलोइंग तुम्हें मिली तो बहुत खुशी तो हो रही होगी। बिल्कुल खुशी तो होती है, मेहनत करी है, फल मिल गया। हाँ, क्योंकि ऑब्वियसली एक तुमने टाइम पीरियड आई थिंक 1 ईयर या 1.5 साल तुमने कर दिया, जब कोविड आया तो उस टाइम पे क्या सिचुएशन थी? बाहर वीडियोस मेक नहीं करने देते थे।
अच्छा ये इश्यूज क्रिएट करते थे, लेकिन उस टाइम भी काफी लोगों ने फेम पाया। हाँ, मैंने घर बैठे पाया, मैंने भी पाया इंडोर बना के, क्योंकि उस टाइम लातादाद लोगों ने यूज करना शुरू कर दिया था। कोविड का ट्रेंड चल रहा था तो उसी पे वीडियोस मेक करते थे हम लोग के, मतलब क्या मतलब पब्लिक को अच्छी से अच्छी। ओके, क्या मैसेज देना चाहोगे न्यू पब्लिक प्लेस में जो लोग वीडियो बना रहे हैं या टिकटॉक पे फेम पाना चाह रहे हैं, इसके अलावा अर्निंग करना चाह रहे हैं? अक्सर लोग ये सोच के भी आते हैं टिकटॉक पे, यार हम अर्निंग करेंगे। कुछ लोग फेम के लिए आते हैं, ठीक है, कुछ लोग और चीज़ों के लिए आते हैं। आई नो दैट यू नो दैट, आपको खुद ही आइडिया हो गया होगा। बाकी ये मैसेज दो कि न्यू जो आ रहे हैं उनके लिए क्या इश्यूज क्रिएट हैं और किस तरह वो मैनेज करेंगे चीज़ें। तो पब्लिक को सिर्फ और सिर्फ मेरा ये मैसेज होगा कि अगर आप टिकटॉक ऐप यूज़ करना चाहते हैं और मतलब आप इसमें आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को अपनी क्वालिटी और कंटेंट बहुत अच्छा करना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा, और प्लस उसके साथ साथ कुछ क्रिएटिव चीज़ करनी पड़ेगी, मतलब कुछ अलग जो मतलब कोई नहीं कर रहा हो। तो कुछ ऐसी चीज़ आप जब करेंगे ना तो वो ट्रेंड बनेगी, और जब ट्रेंड बनेगी लोग फॉलो करेंगे, मतलब उस ट्रेंड को फॉलो करेंगे ना, तो फिर आप ऑटोमेटिकली ऊपर आते जाओगे। और मतलब आप अपने फेम को पॉजिटिव करो, और मतलब जब आपका फेम पॉजिटिव होगा और आप मतलब अकाउंट मतलब आपका रीच पे आएगा, पब्लिक आपको देखना स्टार्ट करेगी, व्यूज़ बढ़ेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली आपको अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू नज़र आने लगेंगे, तो फिर आप ऐसे अर्न भी कर सकते हैं। लेकिन इसका गलत यूज़ करेंगे तो आपका फेम नेगेटिव हो जाएगा और आपका आने का कोई फ़ायदा नहीं। किसी की बातों में ना आए कि ये कर ले वो कर ले, तरबूज कर ले, तरबूज काट के उसको दिखा दे। हाँ, कंटेंट में अगर मतलब यूज़ हो तो आप करो उस चीज़ को, फूड कंटेंट हो तो आप यूज़ करो उसको, मना नहीं है, बट उसका कोई गलत इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये भी है मतलब खाने पीने में इस्तेमाल होती चीज़, आप फेंक दो ये कर दो तो हमें गुनाह मिलता है। तो बस अच्छा यूज़ करें और फ़ायदा आपको ऑटोमेटिकली मिलेगा, स्ट्रगल पर डिपेंड करता है, बस यही कहना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फैजी, आप अपना टाइम निकाल कर मेरे शो पे आए, इंशाल्लाह बेस्ट ऑफ लक इन योर फ्यूचर। तो जी नाज़रीन, आज हमारे साथ मौजूद थे फैजी बादशाह, और इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी एक नए शो के साथ, एक नए गेस्ट के साथ। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।